Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 48. Students, आपको पता है कि हमने अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया है अदर लिविंग थिंग्स. उसका जो टॉपिक है 4.2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गुड और बैड, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते. उसके लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उसके माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास थे बैक्टीरिया, थे हमारे पास प्रोटोजुआ, हमारे एल्जी, ये सारे हमारे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हेल्प ह्यूमंस इन फूड प्रिपरेशन एंड प्रिवेंटिंग डिजीज. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ह्यूमंस की मदद करते हैं फूड प्रिपरेशन, खुराक को तैयार करने के लिए, एंड प्रिवेंटिंग डिजीज और डिजीज़ को रोकने के लिए. अब नेक्स्ट हमारा है कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन, यानी कि पकाने में और खुराक को तैयार करने में कैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल हैं. बैक्टीरिया आर यूज टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स. बैक्टीरियाज जो होते हैं वो यूज़ होते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में, सच एज योगर्ट आपके दही में, चीज़ पनीर में, सॉर क्रीम एंड बटर मिल्क. नेक्स्ट है हमारे पास है बैक्टीरिया आर आल्सो यूज टू मेक विनीगर, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो किस में यूज़ होता है, विनीगर. विनीगर क्या होता है, सिरका. ये देखें आपको फिगर में भी नज़र आ रहा होगा, आप लोग बॉटल्स लेकर आते हैं विनीगर की, सिरके की बॉटल्स लेकर आते हैं. अक्सर आप लोग घरों में भी अपने खाने वगैरह में भी यूज़ करते हैं और चीज़ भी आपके खाने में यूज़ होती है. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यीस्ट. यीस्ट बोलते हैं खमीर को. इट यीस्ट इज़ अ फंगस. फंगस होती है फफूंदी, यानी कि अक्सर आपके ब्रेड्स वगैरह को भी लग जाती है, तो यीस्ट हमारे पास क्या है, फंगस है. एंड इट इज़ यूज टू बेक ब्रेड. बेक ब्रेड यानी कि ब्रेड को बेक करने के लिए यूज़ होती है. एंड इट आल्सो यूज टू मेक अ सोया सॉस, सलामनी एंड ब्लैक टी. अब देखिए सोया सॉस जो आप अक्सर अपनी माइक्रोनीज वगैरह में या आप कोई भी घर में आप कोई चीज़ पकाते हैं उसमें भी आप यूज़ करते हैं. अब ये जो सलामी है ये हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मीट होता है उस मीट को जो है वो ड्राई किया जाता है. ठीक है, और जो मीट की फैट्स होती हैं उनको भी ड्राई किया जाता है, तो वो जो उसकी हमारे पास अमाउंट आती है, यानी कि वो जो मीट को ड्राई करने के बाद या फैट्स को ड्राई करने के बाद मीट जो बना होता है, ड्राई मीट जो होता है वो हमारे पास होता है सलामी. एंड ब्लैक टी, और जो आपको पता है कि हमारे पास जो टी के जो लीव्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं उनको भी ड्राई किया जाता है. एंड प्रिपेयर ऑलिव्स, और हमारे पास जैतून को तैयार करने के लिए भी यूज़ होता है. होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच.